गुंडागर्दी करी है इन्होंने। गुजरात चुनाव जहां नजदीक है, तीन दिग्गज पार्टियां चुनाव प्रसार पर जीत तोड़ से लगी हुई है, वहीं पर आप पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रहा है। झूठ की पुलिंदा आप पार्टी के संयोजक केजरीवाल बीजेपी पर फिर से नया आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे ऊपर इन्होंने पत्थर फेंका है। सुनिए जरा, गुंडागर्दी करी है इन्होंने, अभी हम लोग आ रहे थे पीछे से, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। बताओ मेरा क्या कसूर है, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। अरे मैं इनको कहना चाहता हूँ, 27 साल में कुछ काम कर लेते तो पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी 4 दिन पहले इनका एक नेता कहता है केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे, केजरीवाल की टांगे तोड़ देंगे। यार मैंने क्या कसूर किया है, मेरी आंख तोड़ दोगे मेरी? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है? मैंने किसी का कुछ गलत काम किया है? मैं तो कहता हूं मैं लोगों के स्कूल बनवाऊंगा, ये कहते हैं आंख फोड़ देंगे केजरीवाल की। मैं कहता हूं बिजली मुफ्त करूंगा, ये कहते हैं टांगे तोड़ देंगे केजरीवाल की। अरे मैं आके अपने काम बता रहा हूं, तुम भी अपने काम बताओ ना। तुम काम नहीं बताते, केजरीवाल को गालियां देते हो। गालियां देने से तो गुजरात का विकास नहीं हो सकता, गालियां देने से तो बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता। दिल्ली की जनता को भ्रम में डालकर बिजली पानी का प्रलोभन देकर केजरीवाल सत्ता में आते ही इनके कई नेता भ्रष्ट हो गए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 6 महीने से जेल में है। कुछ ही सालों में 100 करोड़ से भी ज्यादा वक्फ बोर्ड को आप पार्टी द्वारा पैसे रिलीज किए गए। शिक्षा मंत्री के ऊपर शराब घोटाले का आरोप है। गली मोहल्ले में केजरीवाल ने शराब के ठेके खुलवा दिए, यहाँ तक कि इसने दिल्ली मेट्रो को भी नहीं बख्शा। आपको दिल्ली मेट्रो में भी शराब के ठेके नजर आएंगे, एक बोतल पर एक बोतल फ्री दिए गए। ऐसे में केजरीवाल अगर गुजरात से चुनाव जीत जाता है तो गुजरात के भविष्य का क्या होगा, ये आप भली भांति जानते हैं।